अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, आप देखकर के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट कितना जूसी बना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप बिना छिलके वाली उड़द दाल ले लिया है, इसे मैंने रात भर भिगो दिया था। उसी के साथ 1/4 कप मूंग दाल लिया है, इसे भी मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। इसे मैंने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम एक मिक्सर जार ले लेंगे, इसमें हम दोनों दालों को डाल देंगे। और 2 हरी मिर्च डाल देंगे, 2 अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और इसे हम बहुत ही कम पानी के साथ बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बिल्कुल बारीक पीसा है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से फेटेंगे। तो फेटने के लिए आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह से हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे जितना फेटेंगे आपके दही बड़े उतना ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फेट लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये हल्का लाइट भी हो चुका है। तो ये हमारा बैटर तैयार है, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को गर्म कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम पे ही रखा है। तो थोड़ा थोड़ा करके बैटर इसमें हम डालते जाएंगे और इसे हम मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे बड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। एक बॉल में हम हल्का गर्म पानी ले लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम फ्राई किए हुए बड़े डाल देंगे। और इसे हम आधा घंटा के लिए ऐसे ही रहने देंगे, तब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बॉल में हम 1 कप दही ले लेंगे, इसमें हम नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमारे बड़े अच्छे से फूल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये साइज में भी बड़े हो चुके हैं। तो इसे हम हल्के से स्क्वीज कर लेंगे, बहुत ज्यादा स्क्वीज नहीं करना है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम तैयार किया हुआ दही डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे इसके ऊपर हम, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसके ऊपर हम इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे और हरी चटनी डाल देंगे। अगर आपको इमली की चटनी और हरी चटनी की रेसिपीज चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहां जाके चेक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे। तो लीजिए हमारा सॉफ्ट दही बड़े तैयार है। आपको मैं इसे कट करके दिखाती हूँ, देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं और अंदर तक जूसी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये दही बड़े की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जरूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।